हेलो एवरीवन, हिनमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेट की बहुत ही जबरदस्त तीन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो कि पेट संबंधी समस्याओं में जो दैनिक रूप से आती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। जल्दी जो है पेट की समस्याएं जो है बनी रहती हैं, तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली होम्योपैथिक दवा के बारे में दोस्तों जाने तो वो है नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है ये। नक्स का जो मेंटल वर्क है पेशेंट बहुत ही ज्यादा करता है। इसके पेशेंट के मेंटल से फिजिकल सिम्टम्स पे हम जाएंगे, और इसमें आगे जाकर कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है, यानी कि कब्ज की समस्या भी मिलती है। तो जो नक्स वोमिका होम्योपैथिक रेमेडी है, इसमें पेशेंट जो होता है मेंटल वर्क, यानी कि जो लोग मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, या फिर जो लोग बिजनेस का वर्क अपना बहुत ज्यादा करते हैं, उससे मेंटल वर्क अपना दिमाग से बहुत ज्यादा काम लेते हैं और दिन भर अपनी चेयर पर ही बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कोई नहीं हो पाती है, एक्सरसाइज भी वो किसी भी तरीके की नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें कब्ज की समस्या भी नहीं रहती है, और कब्ज के साथ साथ डायरिया भी मिलता है, यानी कि कभी पेशेंट को कब्ज मिलता है और कभी जो है डायरिया, यानी कि दस्त की समस्या अल्टरनेट, यानी कि आगे पीछे एक दूसरे के मिलती रहती हैं। ज्यादातर ये कब्ज की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है। आगे इसके बढ़े तो इसलिए पेशेंट जो होते हैं इस तरीके की जो मेंटल वर्क करते हैं, वो चाय कॉफी भी बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक जागकर अपना काम कर सके। साथ ही साथ पेशेंट अन्य स्टिमुलेंट भी लेता है, यानी कि उत्तेजक पदार्थ लेता है, जैसे कि वाइन भी लेता है, पॉसिबली एक्सेस में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो लेने लगता है, जिससे उसकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को इच्छा होती है बहुत ज्यादा चाय की, बहुत ज्यादा कॉफी की, तो नक्स का एक होम्योपैथिक पेशेंट हो सकता है। आगे बढ़े तो पेशेंट का पेट बहुत ज्यादा भारीपन उसमें बना रहता है, सेंसिटिवनेस, संवेदनशील हो जाता है, अगर छुएंगे तो उसमें दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द भी पेशेंट के बहुत ज्यादा बना रहता है। इस तरीके की जो है नक्स होम्योपैथिक रेमेडी के लक्षण होते हैं, तब जो है इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद इसकी जीभ में ली जा सकती हैं। इसकी हायर पोटेंसी में 200 भी और 1000 में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नक्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है अगर इसको शाम के वक्त लिया जाए। दूसरी होम्योपैथिक दवा के बारे में यहाँ पर जाने तो वो है लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन। लाइकोपोडियम के बारे में जाने तो इसमें एसिडिटी की समस्या काफी ज्यादा रहती है, पेशेंट का खाना ठीक तरीके से ना पच पाता है, और अजीर्णता की समस्या भी मिलती रहती है, खट्टी डकारे भी आती हैं। साथ में पेशेंट का जो लोअर एब्डोमन है, यानी कि हमारे एब्डोमन का, पेट का सबसे निचला वाला हिस्सा जो होता है, नाभि के जस्ट नीचे वाला, उसमें पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द मिलता है, गैस की समस्या बनी रहती है, एसिडिटी की समस्या वहां पर बनी रहती है। पेशेंट की इच्छा होती है मीठा खाने की, और उसकी इच्छा नहीं होती ब्रेड खाने की, ब्रेड से उसको अवर्जन होता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है खाने में ब्रेड। पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ही खा लेता है तो उसका पेट एकदम भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि पेट भर गया है। इतनी ज्यादा भूख लगती है पेशेंट को कि रात को जाग करके वो खाना खाता है, रात को अचानक से जागता है, उसको भूख लगती है और कुछ खाने के लिए वो ढूंढता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ही अगर वो खा लेगा पेशेंट लाइकोपोडियम का, तो उसका पेट आसानी से भर जाएगा, खाना ठीक तरीके से नहीं पच पाता है, तब जो है लाइकोपोडियम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवा का इस्तेमाल 30 या फिर 200 पोटेंसी में किया जा सकता है। तीसरी होम्योपैथिक दवा के बारे में जाने तो वो है कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका पूरा नाम है कार्बोवेजिटेबलिस। ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक की, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। इसमें डकारे बहुत ज्यादा आती है पेशेंट को, यानी कि एसिडिटी की समस्या काफी ज्यादा बनी रहती है, और कार्बोवेज का जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो हमारी नाभि से जस्ट ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया लाइकोपोडियम का नाभि के जस्ट नीचे वाले हिस्से पर होता है, तो ये नाभि के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो होता है पेशेंट का बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, यहाँ पर एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। साथ साथ जाने इसके अन्य लक्षण, तो पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी मीट खाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा पेशेंट को। दूध और फैट से बनी चीजें जो होती हैं, यानी कि ऑयली चीजें जो होती हैं, पेशेंट को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होती हैं। अन्य लक्षण इसके जाने तो वो है कि पेशेंट जैसे ही कुछ भी खाएगा पिएगा, तो उसके बाद उसको एकदम से डकारे आने लगेंगी, बेल्चिंग, जिसको हम मेडिकल भाषा में इरेक्टेशन भी बोलते हैं, एकदम से गैस पास करने लग जाएगा पेशेंट, और पेशेंट जो है फ्लैट्यूलेंस, यानी कि नीचे से भी गैस पास करता रहता है, यानी कि एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा मिलती है कार्बोवेज होम्योपैथिक रेमेडी में। इस दवा का इस्तेमाल 30 या फिर 200 में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें एक दर्द मिलता है हमारे पेट से लेकर के हमारे चेस्ट तक, यानी कि पेट से लेकर के छाती तक बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, जकड़ने वाला दर्द मिलता है कार्बोवेज होम्योपैथिक दवा में। पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगा रहता है पेशेंट को, जैसे बहुत ज़्यादा उसने खा लिया हो, उसके बाद ब्लॉटेड फीलिंग जो होती है वो कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन में है। 30 या फिर 200 में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं।
तो ये थी तीन होम्योपैथिक दवा जो कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट में बहुत ही अच्छा असर करती हैं होम्योपैथी में, जिससे आपका सबसे ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अभी एक नई वीडियो में। थैंक यू।